लोहागढ़ अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही के चलते 25 जून को 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत होने के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्हें ज्ञापन दिया है। एसपी ने पीड़ितों को 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोकिंदर सन ऑफ प्रेम सिंह जो कि निवासी अथेनी का है, वो अपनी धर्मपत्नी को लेके डॉक्टर जितेंद्र सिंह तनवार जी जिनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लोहागढ़ के नाम से जो जवान नगर में स्थित है, उसमें लोकिंदर अपनी धर्मपत्नी को लेके आता है और धर्मपत्नी को जब डॉक्टर स्टाफ मिलते हैं तो स्टाफ से बोलता है कि मेरी पत्नी को यूरिन की प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं कि हमारे सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह तनवार, आप उनसे मिलिए। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह तनवार जी से वो मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि ये गर्भवती महिला है, ये एक आम नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये हर महिला के साथ होती है, आप एक काम कीजिए अगर उन्होंने कुछ खाया नहीं है तो उनके लिए खाना खिलाइए। तो दोनों पति और पत्नी दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं और उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि अब मैं इनको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, कुछ टेबलेट दूंगा, आप 10 से 15 मिनट बाद इनको अपने घर ले जाना। उसके बाद डॉक्टर साहब उनको अंदर ले जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। जब इंजेक्शन लगा के वो बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि आपकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती हुई जा रही है। लोकेंद्र बोलता है कि अभी आप 5 मिनट पहले ये बोल रहे थे कि 10 से 15 मिनट बाद अपनी घटना ये थी। 25 तारीख की घटना है, हमारा रस्ते में भतीजा है हमारा, उसकी मिसेज गर्भवती थी, 8 महीने का उसका गर्भ था, तो उसको सुबह से यूरिन की परेशानी हो रही थी, तो उसने बोला ने पूछा कि डॉक्टर को टाइम दिया कि मैं कितने बजे आया हूँ, मैडम को ऐसे ऐसे मिसेज को मेरी को परेशानी हो रही यूरिन की, तो उन्होंने टाइम दिया 6 बजे से 8 बजे के बीच में कभी आ जाओ। तो 6 बजे वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और हॉस्पिटल आकर जो भी उन्होंने इलाज किया था वो इलाज किया है और इलाज के दौरान डॉक्टर साहब की तरफ से कहीं कोई भी लापरवाही रही है और उस लापरवाही की वजह से हमारी उस बेटी की जान चली गई। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र में NH 148D जवानों के झोपड़े के पास एक थार जीप असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें नैनवा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से अब खबर, जहां किसानों पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। SDM कार्यालय पर किसानों ने धरना दिया, प्रशासन पर झूठा मामला दर्ज कर परेशान करने का आरोप लगाया, साथ ही गिरदावर और पटवारी पर भी मारपीट का आरोप। सोमवार को हिंजरासर गांव में रास्ते को लेकर ये विवाद हुआ था। SDM कार्यालय पर लोगों ने धरना दिया, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, प्रशासन पर झूठा मामला कर दर्ज कर परेशान करने का आरोप लगाया, गिरदावर और पटवारी पर भी आरोप लगे हैं। सोमवार को रास्ते को लेकर यह विवाद हुआ और उसके बाद SDM कार्यालय पर लोगों ने धरना दिया। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां स्पा सेंटर में महिला का शव मिला। संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद महिला का पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी है। तो स्पा सेंटर में महिला का शव मिला, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां एक डॉक्टर और एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में लोग धरने पर बैठे थे, जिनसे पुलिस ने तीसरे दौर की वार्ता की जो सफल रही। आपको बता दें कि थाना अधिकारी के आश्वासन पर धरनार्थी मान गए हैं। लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम थाना अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। कॉलेज रोड के पास में हमारे सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के दांतों के डॉक्टर साहब और ये हमारे काम के सपुरा के जो साथ में उनके काम करते हैं मुकेश कुमार जा रहे थे, किसी भीड़ भाड़ के तो बिना किसी कारण बिना उनके किसी दोस्त के साथ 3-4 लड़कों जिनके साथ मारपीट कर दी, तो वो
डॉक्टर एक शालीन व्यक्ति होता है, वो बेचारे रिसर्च करते रहे तब तक मार्केट कर रहे। मुकेश कुमार भी सीधा साधा लड़का है हमारे गांव का, बहुत सर्किल अच्छा लड़का है, तो वो भी बेचारा जब तक नहीं समझता तब तक वो मार्केट करते। उसके बाद हमने पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई उसको गिरफ्तार करने के लिए, और कम से कम लगभग 5 दिन सफर हो गए अभी तक उनकी। भिवाड़ी से खबर जहां सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। गणेश आटा चक्की पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। सच बेधड़क ने खाद्य सरसों के तेल को लेकर प्राथमिकता से खबर चलाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सरसों और अन्य तेलों के सैंपल लिए। टीम को देखकर सदर बाजार के व्यापारियों में खलबली मच गई। तो लगातार खाद्य सामग्री के साथ जो मिलावट की जाती है उसे लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, सैंपल्स लिए गए। बहुत ज़रूरी है खाद्य सामग्री के साथ छेड़छाड़ कर, मिलावट कर, लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है उस पर रोक लगाना। और ऐसे में जैसे ही टीम पहुंची तो आसपास के व्यापारियों में भी खलबली मच गई। लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी संवाद किया। दाता रामगढ़ पंचायत समिति आईटी केंद्र में सीएलजी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र सहित समाज के प्रभुत्व नागरिक वीसी से जुड़े, समाज को अधिक से अधिक नए कानून और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में एडवोकेट और पंचायत समिति सदस्य के साथ देर रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने ही आरोप लगाया कि जब वो घटना की जानकारी देने पुलिस थाने पहुंचे तो डीओ एसआई ने परिवाद लेने से मना कर दिया, और साथ ही डीओ भूम सिंह पर शराब के नशे में पीड़ित के साथ गाली गलौज करने और मुकदमा दर्ज नहीं करने का भी पीड़ित ने आरोप लगाया। आईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी के पीटी ग्राउंड के पास मियावाकी प्रणाली के तहत ट्री प्लांटेशन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स जयपुर विनय भारद्वाज समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान 15,000 स्क्वायर फीट एरिया में कुल 1700 पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण के उपरांत पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित रखने के लिए सभी ने शपथ ली। चूरू में बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। शहर के निचले इलाके जलमग्न होने से टापू बन गए हैं। जौहरी सागर क्षेत्र पूरी तरह से डूब चुका है। कल शाम हुई बारिश का पानी अभी तक नहीं निकलने से आम जन भी परेशान हैं, और राहगीरों को भी 4 फीट पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे में आम जन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अधिकारी उसको समझ में आने से पहले ना वो समस्या समझता, उससे पहले उसका ट्रांसफर हो जाता। तो नगर परिषद के अंदर तो जो पार्षद है मेरे जैसे उनको बोलना चाहिए, उन्होंने कभी इस मुद्दे को ना सीरियस नहीं लिया। अगर नगर परिषद मजबूत होती, पक्ष और विपक्ष, ये मुद्दा ऐसा है। झुंझुनू के बगर थाना इलाके के नजदीकी गांव अशोक नगर में विवाहिता और उसके बेटे का शव खेत के कुएं में मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बगर पुलिस ने विवाहिता और बच्चे के शव को कुएं से निकलवाकर बगर सीएचसी के मोर्चरी में रखवाया। बगर पुलिस की सूचना के बाद पीहर पक्ष के लोग बगर सीएचसी पहुंचे। वहीं मामले में विवाहिता के भाई ने पुलिस को दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दहेज के लिए हत्या करने को लेकर रिपोर्ट दी है। झुंझुनू पुलिस ने वन विभाग के साथ मिलकर लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, और इसी के तहत पुलिस ने वन विभाग के साथ मिलकर हरियाणा बॉर्डर पर 4 संयुक्त नाके लगाए, जहां बीते एक पखवाड़े में कार्रवाई करते हुए 6 वाहनों को जब्त कर उनमें भरी 120 क्विंटल अवैध लकड़ियों को जब्त किया। एसपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि बीते 6 महीने में पुलिस ने लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 24 वाहनों को जब्त कर 750 क्विंटल अवैध लकड़ियों को जब्त किया है। अवैध लकड़ियों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस की भी मदद ली जा रही है। 15 दिनों में हमने लकड़ी के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने पूरे ज़िले में 4 जगह वन विभाग के साथ स्थायी नाके लगाए हैं, जहाँ पर 24 घंटे हम निगरानी रख रहे हैं।
पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो हमने 6 वाहन जब्त किए हैं, जिसमें 120 क्विंटल लकड़ी जब्त करके वन विभाग को सुपुर्द की गई। इस पूरे साल की अगर बात करें तो हमने 24 कार्रवाइयाँ की, 24 वाहन जब्त किए, जिसमें अराउंड 750 क्विंटल अवैध लकड़ी को हमने जब्त किया है। साथ ही साथ ऐसे कैंपर या पिकअप जो इस तरीके की अवैध संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल होते हैं, इनकी हमने लिस्टिंग की। ऐसे करीब 50 वाहनों को हमने चिन्हित किया है और इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त। झुंझुनू के मंडावा में बदमाशों ने रात को मुख्य बाजार में SBI बैंक के ATM को निशाना बनाया और कटर से ATM को काटकर उसमें रखी नकदी ले गए। बदमाशों ने ATM में घुसने से पहले ATM में लगे CCTV कैमरे पर स्प्रे किया और इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद मंडावा पुलिस मौके पर पहुंची और ATM का मौका मुआयना किया। इस दौरान पुलिस को फर्नीचर और अन्य सामान जले मिले, जो कटर की चिंगारी से जलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। शहर में लगातार बढ़ रही पानी की मारामारी का प्रशासन की ओर से अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। वहीं रूपवास के वार्ड नंबर 6 की दर्जनों महिलाएं पानी की समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने शहर ADM बीना महावर से कहा कि कई कई दिनों तक घरों में पीने के लिए भी पानी नहीं पहुंच रहा। महिलाओं के साथ आए डेलीगेट धर्मराज मीणा ने कहा कि पानी की मांग को लेकर 4 बार कलेक्ट्रेट आकर अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया है।